डॉक्टर डीबी यादव, इस समय इलाज के सिलसिले में बस्ती से बाहर हूँ। मेरे संज्ञान में यह आया है कि एक महिला मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो कुछ सालों पहले फेसबुक से मुझे मिली थी और यह बताई कि मैं LIC एजेंट हूँ। और कुछ दिनों बाद बात करने के बाद फिर बात करती रही हमसे कि आप LIC करा लीजिए। और फिर जो है मैं ये सब जब ये जानी कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसने अपने माताजी को इलाज के बहाने मेरे घर पर लेकर के आई और मैं जो है डॉक्टर GM शुक्ला को उस समय दिखवा दिया। और उसके बाद अपनी परिस्थितियाँ मुझसे बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे जो है कोई काम चाहिए, तो मैंने इसको जो है घर में नौकरानी की तरह रख लिया। और मैं सैलरी के रूप में हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये इसको देता था, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। और बाद में इसने जो है मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, और एक्स्ट्रा धन का हमेशा डिमांड करने लगी और कैश में पैसे और अकाउंट में पैसे हमेशा लेती रही। और जब भी मैं पैसे देने से मना करता था तो ये बोलती थी कि मैं तुम्हें फंसा दूँगी और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूँगी। जब देखा कि मैं बार बार ऐसा, मैं पैसे कब तक दे पाऊँगा, तो मैंने इसका विरोध किया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। और इसने इसी दौरान जो है मेरे घर में भी आ करके और मेरे बेडरूम में कब्जा कर लिया। बोली कि अगर आप नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी। फिर मैं पैसा देना बंद किया। जिस दिन इसने, उसका मैसेज भी मेरे पास है, 10,000 रुपये का इसने डिमांड किया, मैं मना किया, तो बोलने लगी कि अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, अब तू देखना मैं क्या करती हूँ। फिर उसके बाद ये सब करना शुरू कर दी। और ये पूर्ववत में शादीशुदा है, उसके सारे प्रमाण मेरे पास उपलब्ध हैं। इसका पूर्व पति से एक बच्चा भी है, जिसका भी प्रमाण मुझे उपलब्ध है। मुझे ये संज्ञान में आया कि कुछ कूटरचित दस्तावेज ये तैयार करा लिए, जैसे कि आधार कार्ड में अपना नाम डला ली है और बच्चे का कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा ली है। मैं अपने पक्ष में ये कहना चाहता हूँ कि इस महिला से मुझे जान को बहुत खतरा है। इस वजह से मैं पुलिस प्रोटेक्शन में एक दिन घर अपना सामान लेने गया था, चौकी प्रभारी सोनू पार को लेकर के, और अपना सामान लेकर के मैं बाहर रह रहा था। मुझे ये डर है कि मुझे और बहुत सारी चीज़ों में ये फंसा सकती है और मेरे जान, मेरी जीव हत्या भी करा सकती है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरा सारा करियर बर्बाद कर चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कई